अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म्स। सबसे पहले देखते हैं ट्रुथ फंक्शंस क्या होते हैं। अ ट्रुथ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स इज एनी फंक्शन फ्रॉम टी एफ पावर एन इम्प्लाइज टी एफ। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये टर्म, ये क्या है, ये एक्सप्लेन मैं आगे जाके करता हूँ। अ ट्रुथ फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ फॉर्मूला इफ द फॉर्मूला हैज अ सेम ट्रुथ टेबल एज दैट ऑफ द ट्रुथ फंक्शन। ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टी एफ पावर एन। अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई भी ट्रुथ फंक्शन है, तो ये ट्रुथ फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अगर सेम ऐसी ही चीज़ हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए भी एक्सप्रेस कर सकें, यानी ट्रुथ टेबल और ये फंक्शन यानी कि यह फॉर्मूला दोनों अगर सेम हमें आउटपुट दिया, रिजल्ट दे रहे हों, तो हम कहते हैं कि वो एक ट्रुथ फंक्शन है। इफ़ फाई इज़ अ ट्रुथ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स पी वन टू पी एन। हम सपोज करते हैं कि फाई एक ट्रुथ फंक्शन है जो जिसमें एन वेरिएबल्स शामिल हैं और वो वेरिएबल्स पी वन से पी एन तक है। देन अ ट्रुथ टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू डिपिक्ट इट। तो इसके लिए अगर हम एक ट्रुथ टेबल बना सकें और वो ट्रुथ टेबल सेम एग्जैक्टली वही हमें आउटपुट दे रहा हो जो ये ट्रुथ फंक्शन फाई दे रहा था, तो वो एक्चुअली दोनों सेम होंगे। Such a truth table will have n columns and 2n rows. ऐसे truth table की n columns होंगी और 2n rows होंगी। वो कैसे होंगी वो मैं आगे जाके बताता हूँ। Each row showing the different assignments of truth values to the variables. हर row हर variable की different assignment values को truth values को show कर रहा होगा। जैसे for example हमारे पास truth function है phi। Function हम इस तरह से लिख रहे हैं कि true फॉल्स। ये टी और एफ का मतलब है ट्रू और फॉल्स। पावर एन की वैल्यू यहाँ पर टू आ गई, एन इम्प्लाइज ट्रू फॉल्स। गिवन बाय फाई ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू एंड फाई ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स एंड फाई फॉल्स ट्रू इज इक्वल टू ट्रू एंड फाई फॉल्स फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स इज डिपिक्टेड बाय द ट्रुथ टेबल। ये एक ट्रुथ टेबल है। हम लेट्स सपोज हमें ट्रुथ टेबल हमने पहले समझा हुआ है, हम पहले ट्रुथ टेबल के थ्रू इस फॉर्मूला को समझते हैं। हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, ठीक है। और ये पी और क्यू दो वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स हमें कहाँ से मिले, ये पावर में जो टू लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रुथ फंक्शन की पावर में जो टू लिखा हुआ है, हमें इससे पता चला कि वेरिएबल दो हैं। हमने सपोज कर लिया कि पी और क्यू दो वेरिएबल्स हैं। अब ये जो अंदर टी और एफ कॉमा लगा के वैल्यूज लिखी हुई है इस ब्रैकेट के अंदर, ये यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में भी, ये एक्चुअली इस पी और क्यू इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, ट्रुथ वैल्यूज। यानी पी की वैल्यू पहली वाली वैल्यू जो है पहले वेरिएबल की और दूसरी दूसरे की। तो हम सपोज करते हैं कि दोनों वेरिएबल जो है वो पी और क्यू है, तो ट्रू जो है वो पी की वैल्यू और फॉल्स जो है वो क्यू की वैल्यू है, ठीक है। इस फॉर्म इस ट्रुथ फंक्शन के जरिए हम उसने हमें ये बताया जब P और Q की दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आउटपुट यानी phi की वैल्यू भी ट्रू होगी, और अगर ट्रू और P की वैल्यू ट्रू और Q की वैल्यू फॉल्स होगी तो फंक्शन phi की वैल्यू फॉल्स होगी। सिमिलरली अगर P की वैल्यू फॉल्स और Q की ट्रू होगी तो फंक्शन की वैल्यू ट्रू होगी, और अगर P की वैल्यू फॉल्स और Q की फॉल्स होगी तो फंक्शन की वैल्यू फॉल्स होगी। यही चीज़ हमने ट्रुथ टेबल में लिखी है। ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका हमें पता है। पहले वेरिएबल को दो वेरिएबल है, टू की पावर टू, यानी चार कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रू और फॉल्स के, चार में से दो ट्रू दो फॉल्स, फिर अगले के लिए एक ट्रू और एक फॉल्स। फंक्शन में उसने क्या कहा था, दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू, तो ये दोनों ट्रू है तो मैंने इसकी फाई की वैल्यू ट्रू लिख दी। सेकेंड उसने कहा ट्रू और फॉल्स होंगे तो फॉल्स, तो ये ट्रू और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और ट्रू का उसने कहा था कि ट्रू होगा और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स होगा। तो मैंने इस फंक्शन को लेकर मैंने एक ट्रुथ टेबल बना दिया जो दोनों, अब ये फंक्शन भी और ट्रुथ टेबल दोनों मुझे सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंसीडर द वेरिएबल्स p q एंड r इन दैट ऑर्डर। अ फार्मूला व्हिच टेक्स वैल्यू t ओनली ऑन द असाइनमेंट ट्रू 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 इज p एंड q एंड r वेरीफाई। अब ये बेसिकली क्या है, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो आपको दी गई हैं, आपने इसके थ्रू ट्रुथ टेबल बनाना है। वो कहता है कि तीन वेरिएबल्स हैं पी क्यू और आर। हम फार्मूला बनाते हैं कि फार्मूला जो है वो वैल्यू ट्री यानी टू, जो हमारा ट्रुथ फार्मूला है या फंक्शन है उसकी वैल्यू ट्रू तब होती है जब पी क्यू और आर तीनों की वैल्यू ट्रू होती है।
और उसको हम जब तीनों वैल्यूज ट्रू होती हैं हम उसको एंड या कंजंक्शन के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी एंड क्यू एंड आर, ये हमें पहले से पता है, हमने पीछे की है। अब ये चीज़ आपने ट्रुथ टेबल में वेरीफाई करनी है। सिमिलरली अ फॉर्मूला विच टेक्स वैल्यूज ट्रू ओनली ऑन द असाइनमेंट ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, फिर आपने एक ऐसा फॉर्मूला भी बनाना है ट्रुथ टेबल में जो कि वैल्यू जिसकी ट्रू तब आए जब पी की वैल्यू ट्रू, क्यू की ट्रू और आर की फॉल्स हो। यानी अगर हम इसे प्रोपोजिशन में फॉर्मूला में लिखें तो पी एंड क्यू और एंड निगेशन आर, क्योंकि फॉल्स है ना इसलिए निगेशन आर, उसको निगेट कर देंगे। सिमिलरली गिव अ फॉर्मूला विच टेक्स वैल्यू ट्रू ओनली ऑन द असाइनमेंट एफ टी एफ, यानी फॉल्स ट्रू फॉल्स। और इसी तरह से एक फॉर्मूला बनाए जिसकी वैल्यू ट्रू हो जो असाइनमेंट हमें टी टी एफ और एफ टी एफ पर ट्रू हो। सिमिलरली एक फॉर्मूला हो ट्रू ट्रू तब हो जब वैल्यूज टी एफ टी, टी टी एफ और टी एफ एफ हो। इसको हमने और तीसरा लास्ट वाला है ट्रू तब हो जब एफ टी एफ और एफ एफ एफ। अब इन सब चीज़ों को हमने एक ट्रूथ टेबल के जरिए रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास तीन वेरिएबल्स निकाला था पी क्यू एंड आर, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 कम्बिनेशन बनेंगे। 8 को डिवाइड कर दें 2 पे, 4 जो है वो ट्रू और 4 फॉल्स, फिर आगे और हाफ कर दें 4 को तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर आगे और इसको हाफ कर दें तो 2 के बाद 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरह हम इसके कम्बिनेशन बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें ये ए ए क्या बेसिकली ये फॉर्मूला है, फंक्शन ए है। अब इसकी ये सारी वैल्यूज कैसी आई है ये पिछले वाली वैल्यूज को देखिए। जैसे लेट्स सपोज ये ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, गिव अ फॉर्मूला एफ विच टेक्स वैल्यू टी ओनली ऑन द असाइनमेंट्स एफ टी एफ और एफ एफ एफ। एफ टी एफ कहाँ पर है हमारे पास, हम देख रहे हैं ये थर्ड लास्ट एफ टी एफ, तो यहाँ पर उसने हमें क्या कहा था, ट्रू होनी चाहिए, तो हमने यहाँ ट्रू लिख दिया। सिमिलरली ट्रिपल एफ ये लास्ट पे है लास्ट रो में, तो यहाँ पर ये ट्रू होना चाहिए। इसी तरह से पीछे जैसे उसने हमें कहा था टी एफ टी, टी टी एफ और टी एफ एफ, इसी तरह टी एफ टी और इन चीज़ों की बेस पर हमने जो है ये जो आपके पास टेबल बना हुआ है ये सिर्फ इस ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए, ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पे इस टेबल के ऊपर, ये जो बाकी पीछे सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह का एक ट्रूथ टेबल हर हर स्टेटमेंट के लिए अलग ट्रूथ टेबल बनाना है, सेम ट्रूथ टेबल के अंदर नहीं बनाना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला डेट एक्सप्रेसेस द ट्रूथ फंक्शन फाई गिवन बाय दिस टेबल। हमें अब प्रोसीजर ओपोजिट हो गया, हमें टेबल दिया पर हमने फंक्शन बनाना है। पहले हमें फंक्शन दिया होता था और फंक्शन से हम टेबल बनाते थे, तो लेट्स सपोज हमें ये फंक्शन टेबल दिया है, इससे हमने फाई फंक्शन बनाना है। द ट्रूथ फंक्शन फाई इज ट्रू, और अब इस टेबल को हम देखें तो ये ट्रूथ फंक्शन, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, तो यानी पावर जो है एन की वैल्यू ट्रू 2 होगी, और ये फाई की वैल्यू हम देख रहे हैं इसको ऑब्जर्व करें तो 2 वैल्यूज ट्रू हैं। और दोनों ट्रू कब है, पहली ट्रू तब है जब पी की वैल्यू भी ट्रू है और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है, और दूसरी ट्रू तब है जब पहली पी की वैल्यू ट्रू है और दूसरी क्यू की वैल्यू फॉल्स है। तो हम इससे फॉर्मूलाज बनाते हैं, ट्रूथ फंक्शन फाई इज ट्रू ओनली फॉर द ट्रूथ असाइनमेंट एफ वन एंड एफ टू। हम इस पहले वाले को फॉर्मूला एफ वन कह देते हैं, दूसरे को एफ टू कह देते हैं, पहली रो को एफ वन दूसरी रो को एफ टू। तो यहाँ पर हमें हमें पता है कि एफ वन में पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दोनों ट्रू है, और एफ टू में पी की वैल्यू ट्रू है एफ क्यू की वैल्यू फॉल्स है। कोरस्पॉन्डिंग फार्मूला इससे हमें क्या बनेगा, हम लेट्स सपोज करते हैं कि बी वन एक फार्मूला हमें बना पी एंड क्यू पहले वाले के लिए, जहाँ पर हमें पी और क्यू दोनों की वैल्यूज ट्रू थी पी एंड क्यू, और बी टू यानी दूसरा फार्मूला के लिए जहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स था वो हमने उसमें क्यू को निगेट कर दिया पी एंड निगेशन क्यू, क्योंकि वो फॉल्स है इसलिए ऑपोजिट वैल्यू। सो द फॉर्मूला डेट एक्सप्रेसेस फाई इज, तो इस फॉर्मूला को फाई फॉर्मूला को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहली वैल्यू पी एंड क्यू और दूसरी पी एंड निगेशन क्यू दोनों के दरम्यान में और लिख देंगे, यानी उसको हमने कंबाइन कर दिया कि या तो पहले जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब वैल्यू ट्रू आएगी फंक्शन की, या एक ट्रू एक फॉल्स होगी तब आएगी वैल्यू ट्रू। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म्स से। नॉर्मल फॉर्म्स इज अ वे ऑफ राइटिंग लार्ज एंड कम्प्लेक्स फार्मूलाज इन मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक एफिशिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में 2 नॉर्मल फॉर्म होती हैं, सी एन एफ और डी एन एफ। सी एन एफ स्टैंड फॉर कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डी एन एफ स्टैंड फॉर डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म।
What is disjunctive normal form and atomic formula and the negation of an atomic formula are together called literals. कोई भी एक एटॉमिक फॉर्मूला, जैसे लेट्स सपोज पी एंड क्यू एक एटॉमिक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का नेगेशन, इन दोनों को मिलाकर हम लिटरल्स बोलते हैं. वी से दैट अ फॉर्मूला ए इज इन डिसजंक्टिव फॉर्म इफ इट इज अ डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शंस ऑफ लिटरल्स. कोई भी फॉर्मूला डीएनएफ यानी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो कंजंक्शंस का डिसजंक्शन होगा. लेट्स सपोज ये एग्जांपल नीचे दी हुई है, हमारे पास एंड जो है वो कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और सिंबल जो है वो डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह हम मैथ में फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं. सेम इसी तरह से है ये पी एंड या पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, ये कंजंक्शन होगी और इसके साथ डिसजंक्शन और नेगेशन आर. तो डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन यानी ये दोनों कंजंक्शन थी नेगेशन आर और पी एंड नेगेशन क्यू, और इन दोनों का हमने डिसजंक्शन कर दिया उसके बीच में आर लगा के, तो ये हमें डीएनएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली कंजंक्टिव क्या होगा, इसका ऑपोजिट, यानी एंड का सिंबल बाहर होगा और का अंदर होगा, जिसको हम कहेंगे कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन, और जो डीएनएफ था वो डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन था. तो बोथ डीएनएफ एंड सीएनएफ आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स. सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला सिंबल जो है वो कंजंक्शन का, अंदर डिसजंक्शन का, ठीक है. तो ये सीएनएफ है. एक एग्जांपल देखते हैं इसकी. फाइंड अ फॉर्मूला इन डीएनएफ एंड आल्सो वन इन सीएनएफ इक्विवेलेंट टू दिस फॉर्मूला. एक फॉर्मूला में दिया हुआ है हमने, इसको डीएनएफ और इसका सीएनएफ फॉर्मूला जो है फाइंड करना है. तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट है. P implies Q को हम लिख सकते हैं, पीछे हमने फॉर्मूला में पढ़ा है P implies Q जो है, अगर ये implies आपने खत्म करना है तो P को जो है negate करते रहता है और implies symbol को change करते रहता है और symbol में, तो not P या negation P और Q, ठीक है. Similarly ये and का symbol as it is, Q implies R, B इस form में convert हो गया और ये P and Q implies R भी इस form में convert हो गया. तो यहाँ पर ये जो नेगेशन का सिंबल है ये इसको हम अंदर जो है लेके जाते हैं नॉट पी के साथ, पी को नेगेट कर दें तो अंदर वाला जो एंड का सिंबल है वो भी ऑपोजिट हो जाएगा और हो गया वो, और क्यू जो है वो नेगेशन क्यू हो गया और बाकी सब वैसे ही. अब इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला लगाते हैं. ये पहले दो पर, इसमें नॉट पी यू नॉट पी को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, या मल्टीप्लाई कर रहे हो या एंड कर दें किसके साथ, नॉट क्यू के साथ. तो नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो पहला नॉट पी पहले वाली टर्म के साथ एंड, और पहली वाली टर्म दूसरी वाली टर्म के साथ एंड. सेंटर में कौन सा सिंबल, जो इनके दरमियान में और सिंबल, यही डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला होता है. अगर मैथ में हमने पढ़ा है वो आपको याद हो तो. इसी तरह से पहली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरी वैल्यू को दोनों के साथ एंड ले लिया, ठीक है, और कंबाइन करके ये हमारा फॉर्मूला बन गया. इसके बाद हमने इस पूरे फॉर्मूला पर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी, यानी हमने एंड वाले फंक्शन अलहदा करके और नॉर वाले इकट्ठे कर दिए. नोटिस दैट सी एन एफ कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग एब्जॉर्प्शन लॉस. हम सी एन एफ को सिंप्लीफाई करके, यानी इसको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला लगा के, पीछे हमने पढ़ा है सिंप्लीफाइड फॉर्मूला इक्विवेलेंट टू दिस फॉर्मूला, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये होगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और आर, ये और ये बोथ डीएनएफ और सीएनएफ दोनों को रिप्रेजेंट करता है.